गंगेली में मतदान करने के दरमियान दो लोगों को चोटें लगी हैं, लेकिन उसका सही कारण क्या है, कैसे ये मामला हुआ है, वो गिर के चोट लगी है या फिर क्या हुआ है, हम जान लेते हैं इन लोगों से। आप बताइए क्या मामला हुआ, कैसे चोट लगी आपको? गंगेली बूथ पर मतलब प्राथमिक विद्यालय में हम मत दे के आ रहे थे घर पे, वहाँ से तीन चार लड़का यानी भेदी शर्मा का बेटा उसके साथ में चार पांच लड़का सहयोगी से मिल के आया, हमको धमकी दिया जिसमें हम बोले हैं वोट देने उसमें दो नहीं तो तुमको मारेंगे, उसके बाद इसी में बकवास हुआ, उसके बाद वो हमको मार के चल दिया। वो जिनमें हम तुमको वोट डालने के लिए कहे हैं उसमें कहेंगे उसमें देना है, जिसमें हमको कहेंगे उसमें देना। वो शर्मा जी को क्या उनको पता नहीं है कि मतदान सबका अधिकार है? हाँ मत का अधिकार है, वो दारू पी के फूल था इसलिए अभी वो नशे में धूत है अपने घर में है। भाग गया सब वहाँ से। तो उस समय पुलिस वहाँ नहीं, पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया हुआ, मौजूद नहीं थी वहाँ। कितने लोगों को मारा वहाँ से? 500 किलो दो लोगों के, हम दोनों भाई को। वो अकेले दोनों को मार दिया? वो चार आदमी से था, उसके साथ में एक लेडीज भी थी, सब पीवी भी थी, सब नशा में था। हाँ सब मिल के मारा जी। किस चीज़ से मारा है आपको? ये हम उन थ्री नट का वो कुंडा और प्लस जो है कि लाठी से मारा, उसके सीने पे लाठी से। तो वो जब मारा आपको, आप दोनों थे तो शोर मचाए होंगे ना आप लोग? शोर मचाए थे, ग्रामीण लोग आया लेकिन वहाँ पे जो देखा वो देखकर वो चल दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उन लोगों का क्या कहना था, कहाँ वोट डालना है? वो लोग सिर्फ बोल रहा था क्लियर नहीं किया, जिसमें हम बोलेंगे उसमें डालना, नहीं तो किसमें, मतलब क्लियर नहीं किया? क्लियर नहीं किया। जब क्लियर वो नहीं किया तो वो किसमें कह रहा था? मैं यानी कि वो शराब पी के ऐसा बोल रहा था, शराब पिया हुआ था, नशा शराब के कारण ऐसा हुआ। जी जी जी। ये वोट जिस दिन मतदान है लोग उस दिन भी शराब पीना नहीं छोड़ रहा जी? नहीं बिल्कुल, मेरे गांव में अभी भी जो एक बस्ती है जिसमें लगातार दारू की भट्टी चल रही है, लेकिन वहां पर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है, और शाम सुबह वहां पर दारू पिया जाता है। शराबबंदी का यही आलम है? हाँ यही हालत है बिहार का, ये रुतवा है। एक सेकंड का वीडियो फिर बंद। ये शराबबंदी बिहार में सक्सेस है आपको लग रहा है? नहीं ये सक्सेसफुल नहीं है, बेकार हो गया ये जी। अब मतदान के दिन आपके साथ मारपीट किया गया, आप कह रहे हैं कि नशा में था वो लोग जी, और बगैर किसी कारण का, आपको बताया भी नहीं कि कहाँ वोट डालना है नहीं डालना नहीं, है नशा में आकर के हमको मारे, पुलिस नशा का कारण ही ऐसा जी हुआ जी जी। अच्छा वो मारने वाला भी वही के लोग हैं जी, जी उनको सबको पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं। तो क्या थाना में शिकायत भी किया है? थाना में शिकायत करके आए हैं अभी, फिर शिकायत कर दिया जी। किनका किनका नाम दिए हैं उसमें? आप बताइए डिटेल्स आपके पास है क्या? जी जी जी। क्या डिटेल्स आपके पास? एक्चुअली मेरा नाम सुमन कुमार हुआ और हम रमेश कुशवाहा के पार्टी के बूथ में वहाँ पे थे, पोलिंग गिरा रहे थे, बूथ एजेंट थे, तो मेरे घर से लगभग बूथ 500 मीटर दूरी पे है, तो यह वोट गिरवा के वहाँ से आ रहे थे, अपने मत का उपयोग करके आ रहे थे, तो मतलब भेदी शर्मा का लड़का और उसके साथ लगभग अन्य 6-7 लड़का दारू पी के आया, बोला कि हम जिसको बोलेंगे उसमें तुमको वोट देना है, तुम दूसरे को कहा है वोट दिया, इतना कहने के बाद तो हत्थापाई हुआ, गाली गलौज किया और मेरे भाई के सर पर 3 नट का कुंडा से मारा और एक भाई के सीने पर लाठी से मारा। उन लोगों का इशारा किधर था वोट डालने का? इशारा हुआ क्लियर नहीं किया, इशारा क्लियर नहीं किया, तो आप लोगों ने शिकायत कर दी है? जी जी, हमने जब थाना आया तो उन्होंने बोला पहले आप मेडिकल रिपोर्ट कराए उसके बाद FIR लेंगे। आप आइए, आप कुछ डिटेल्स बताइए, आपके पास क्या जानकारी है इस मामले से जुड़ा हुआ? सर अभी तो हम सर ईटा भट्टा में हम वर्क करते सर, मुंशी जी हैं सर ईटा भट्टा का, और आज तो मतदान का दिन था सर, अभी हम बस जस्ट 2 घंटा पहले हम घर आए थे, बूथ से वोट गिराए बूथ से घर ही आ रहे थे कि हमको फ़ोन आया कि भैया देखिए ऐसे ऐसे 3-4 लड़का आया दारू पी के और हमसे पूरा हाथापाई करने लगा, और हम बोले तो बोलता है कि मतलब हम तुमको जिसके में वोट देने बोलते हैं उसी में दो, पूरा दारू पी के फूल था सर, और जो है कि इसी में मेरा भाई बोला कि तुम ऐसे काहे बोलता है मेरे साथ, इसी में सर मारपीट करने लगा, लाठी था और दारू पी के फूल था, थिरनट था, मार के सर भाग गया। अच्छा लेकिन कुछ इशारा नहीं किया? इशारा क्लियर नहीं किया सर, लेकिन यही शराबबंदी का यही तो आलम है सर, शराब पी के दिन में सर गांव में इलेक्शन जो कि ये क्या कहते हैं कि जिससे कि हमारी सरकार तय होती है, और ये नीतीश कुमार का शासन देखिए सर, दिन में दारू पी के घूम रहा है, प्रशासन का ध्यान नहीं है उस पर, खुले आम आदमी को मार रहा है, दारू पी करके घूम रहा है, मतदान केंद्र पे लोग जा रहा है दारू पी करके, ऐसा भी हो रहा है क्या? मतदान केंद्र पे तो सर नहीं था, लेकिन मतदान केंद्र अब गया कि नहीं गया, लेकिन उधर से ही आ रहा था मेरे घर के सामने में। जो लोग के बारे में आप आरोप लगा रहे हैं कि वो दारू पिए हुआ था, तो वो मतदान करने भी तो गया होगा कि नहीं गया था वो,
ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? अच्छा, लेकिन ये बताइए कि बिहार में या पूर्णिया में दारूबंदी सक्सेस है क्या? सक्सेसफुल तो सर नहीं है। जब दिन में दारू पी के सर घूमता है रोड पर आदमी तो क्या सक्सेसफुल होगा सर? जब आम आदमी के सामने सब जब मारने के लिए तैयार है दारू घूमता ही नहीं है बल्कि मारपीट भी। मारपीट तो एकदम क्लियर है सर, हमारे आपके सामने में देख रहे हैं सर। मेरा नाम सर रंजीत कुमार है। घर कहाँ आपका? मेरा घर है सर गंगेली। गंगेली जी। चले ये देख रहे हैं, इन लोगों का एक साफ कहना है कि कुछ शराबी आता है और कहता है कि हमने जहां तुमको वोट करने के लिए कहा था वहां क्यों नहीं किया, लेकिन कुछ इशारा साफ साफ नहीं किया, वो कहां कह रहा था नहीं कह रहा था ये कुछ इशारा साफ नहीं किया गया, लेकिन मारपीट की गई। यहाँ सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, अब जरा सोचिए मतदान का दिन है, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस अवसर पर लोग शराब पी करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसके साथ मारपीट करता है, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। कई लोगों ने तो सवाल खड़ा कर दिया कि जब आज के दिन शराबी कंट्रोल में नहीं है तो बाकी दिन का मंजर क्या हो सकता है, इसका जवाब कौन देगा? तो निश्चित रूपेण युवाओं में काफ़ी आक्रोश है इस घटना को लेकर के कि इस तरह से नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है। कोशियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।